Bismillahirrahmanirrahim. Day 12 and Hadith number 12. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Rawahu al-Bukhari. Narrated Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, bath on Friday is compulsory for those who have attained the age of puberty. Reference Sahih al-Bukhari. This misconception is common in our society where people think that it is not necessary to take a bath on Friday. So this hadith wants to tell them that every Muslim who has reached puberty must take a bath on Friday. मुकर्रमी नाज़रीन, अगर हम इस हदीस को ट्रांसलेट करें उर्दू ज़ुबान में तो इसका तर्जमा ये होता है, हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन गुसल करना हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है। इस हदीस से एक गलत फहमी जो हमारे माशरे में आम है वो फैलती है। लोग ये सोचते हैं कि जुमा के दिन गुसल करना ज़रूरी थोड़ी है। आम लोग नहीं, यहाँ पर इस चीज़ में मुलव्विज़ है एजुकेटेड तबका, वो ये सोचता है कि जुमा के दिन गुसल करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस हदीस पाक से ये मैसेज हम तक पहुँचता है और ये हदीस पाक हम तमाम को ये बता रही है कि जुमा के दिन गुसल करना हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है। उम्मीद करते हैं इस हदीस से एक अहम मसले का जवाब हमारे जहनों में आ गया होगा, लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस हदीस को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आप हमारे साथ इस खूबसूरत सिलसिले में जुड़ सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नई अगली हदीस के साथ। अस्सलामु अलैकुम।